All right. So we are supposed to do this particular question 5.26. This is from the topic functional forms. So we are supposed to do this in the R. ठीक है, तो क्या करना चाहिए फिर? आप लोगों ने ट्राई किया इसको? Kansha, did you do? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टेबल 5.17 ऑन टेक्स्ट बुक्स वेबसाइट कंटेन डेटा अबाउट सेवरल मैगजीन्स, और ये वेरिएबल्स के नाम है, मैगजीन का नाम है, कॉस्ट ऑफ फुल पेज एड, फुल पेज एड करने की क्या कॉस्ट आती है वो, सर्कुलेशन कितना है, प्रोजेक्टेड जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हो बेसिकली इन थाउजेंड्स, what is the percentage of male readers that you have, and what is the median household income of the readership? So whosoever is reading your magazines, वहाँ पे median household income कितनी है, ठीक है? And the goal is to predict the advertisement cost. तो कितनी advertising cost होगी based on all these factors, ठीक है? तो अब इन्होंने सबसे पहले हमें पूछा है कि क्रिएट अ स्कैटर ग्राम ऑफ द कॉस्ट वेरिएबल वर्सेस ईच ऑफ द थ्री अदर वेरिएबल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स डू यू सी, किस तरीके की रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू डू अ लीनियर रिग्रेशन विद ऑल द वेरिएबल्स एंड क्रिएट अ रेसिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यूज प्लॉट, ठीक है? तो रेसिडुअल्स जो भी आएंगे उस रिग्रेशन से उसको वर्सेस फिटेड वैल्यूज जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं उनको प्लॉट करना है आपको। डज द प्लॉट एग्जिबिट कांस्टेंट वेरिएंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या जैसे जैसे आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो रही हैं, जो फिटेड वैल्यूज हैं वो और जो आपके रेसिडुअल्स हैं, क्या उसमें कांस्टेंट वेरिएंस आपको देखने को मिल रहा है? मतलब जैसे जैसे वाई हैट वैल्यूज बढ़ रही हैं, आगे बड़ी हो रही हैं, तो जो रेसिडुअल्स हैं क्या वो सेम ही लेवल पे वेरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में कि नहीं, ठीक है? दैट इज बी पार्ट। एंड सी पार्ट इज कि अब मॉडल जो है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स थे वो मत यूज करो, लॉग वाई, लॉग सर्कुलेशन, परसेंटेज मेल एंड मीडियन इनकम, अब इसके साथ मॉडल रन करो एंड देन क्रिएट अनदर रेसिडुअल प्लॉट, और फिर एक और दूसरा रेसिडुअल प्लॉट करो। एंड डज दिस मॉडल फिट बेटर देन द वन इन पार्ट बी, तो क्या ये बेटर फिटिंग फिटेड मॉडल है एज कंपेयर टू पार्ट बी, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। आई होप दिस इज फाइन, ये चीज क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है? तो लेट मी ओपन आर नाउ। तो आर यू गाइस रेडी विद द डेटा? डेटा खोलने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी ना अभी? सो लेट मी जस्ट फंक्शनल फॉर्म्स, ठीक है? ऑल राइट, फाइन। कैन यू गाइज लोड द डेटा? आर यू गाइज डन विद दैट? एक बारी डेटा लोड कर लो बस। एनवायरमेंट को हम लोग एम्प्टी कर देते हैं। लेट्स मेक एवरीथिंग एम्प्टी नाउ एंड आई थिंक we can install and load all the libraries. Okay, and what is my working directory? Get working directory. So my working directory is just this. Let me change my working directory My working directory has changed to Econometrics chapter underscore 505. That becomes my working directory now. And then I have to read a new table. मुझे एक नई table read करनी है, ठीक है? तो अब मुझे कौन सी table read करनी है इस question के लिए? The table that I have to read is table 5.17. That table I have to read, okay? So, magazine data है, तो mag data लिख देते हैं, ठीक है? Mag data. And again, it's an XLS file. So, I will just do this. अगर आपको देखना है कि ये कौन सा data है, तो आप ये देख सकते हो. इकोनोमेट्रिक्स में जब चैप्टर 05 खोलोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है वो किस तरीके से है. तो द डेटा इज इन दिस फॉर्मेट टेबल स्पेस 5_17.xls. तो मुझे ये वाला डेटा जो है ये लोड करना है, ठीक है? तो दिस इज द नेम, सो वी आर लोडिंग इट नाउ एंड देन वी रन दिस. ठीक है, जैसे ही इसको रन किया अब ये आ गया मैग डेटा. एंड यू सी दिस, दिस इज मैग डेटा. When you open it, it looks like this. ठीक है? So these are different names of the data, names of the magazines, and different things that are available. अब इसमें भी मेरे साथ problem क्या है कि यहाँ पे जो headers हैं वो सही से नहीं है. जैसे magazine, page cost, circulation, percent mail, ये सब header में होना चाहिए. और ये जो पहली पांचों रोज हैं वो मेरे पास रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे वो चीज करेक्ट करनी पड़ेगी. सो दिस इज द सेम थिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे मुझे नाम बदलने पड़ेंगे पहले तो मेरे जो हेडर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सेम चीज वही रिपीट करनी है कि नेम्स ऑफ दिस मैग डेटा शुड बी कमिंग फ्रॉम वेयर. ये जो नेम्स हैं कौन से डेटा पे, जो अभी हम ये नया डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग डेटा, वो कहाँ से आने चाहिए? मैग डेटा की कौन सी रो से? मैग डेटा जो है उसकी कौन सी रो में हेडर्स हैं? फिफ्थ रो में, राइट? सो वी विल जस्ट डू फिफ्थ कॉमा, वी विल लीव इट ब्लैंक बिकॉज वी वांट ऑल द कॉलम्स, राइट? तो सेम लॉजिक यहाँ पे हमें लगाना है, बट फिफ्थ रो है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया. और जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो. अब यहाँ पे जब ये हेडर्स देखोगे तो मैगजीन, पेज कॉस्ट, सर्कुलेशन, परसेंट मेल, मीडियन इनकम, ये सब आ जाएगा, राइट? एंड देन वन मोर थिंग दैट आई वांट इज, आई डोंट वांट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो. ये 5 रोज मुझे नहीं चाहिए, राइट? मेरा जो डेटा है वो 6th रो से स्टार्ट हो रहा है. तो मैं क्या करूंगी, आई कैन यूज द सेम कमांड टू रिमूव द डेटा which is doing this. कि जो मेरा नया मैग डेटा है उसमें से मुझे कौन कौन सी रोज नहीं चाहिए, आई विल रिमूव दैट. सो जो मेरा मैग डेटा है, ठीक है, उसमें से मुझे नया जो मेरा मैग डेटा होगा वो कौन सा होगा? जो मेरा पुराना मैग डेटा था उसमें से कौन सी रोज नहीं चाहिए? टिल 5. ये 5 रोज नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए मुझे, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस सारे डेटा, इसमें से इस कमांड से क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 रोज आपकी हट जाएंगी और फिर जो मैग डेटा बचेगा वो नया मैग डेटा होगा. तो अभी यहाँ पे 5 वेरिएबल्स पे 53 ऑब्जर्वेशंस हैं. अभी ये 5 रिमूव करके यू विल हैव आई थिंक 48. 5 रिमूव हो जाएंगी तो 48 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 48 ऑब्जर्वेशंस है. अब जब मैग डेटा को देखते हो तो नाउ इट इज प्रॉपर, हेडर्स भी हैं, जो उनके टाइटल्स हैं वो भी हैं, और ये अपना डेटा बिल्कुल सही तरीके से रीड हो रहा है. सो वी हैव डेटा ऑन टोटल 48 मैगजीन्स. ठीक है, आर वी फाइन सो फार? यहाँ तक हमें क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? Can you guys quickly wrap up till this point? Please show the command how to clear environment. अच्छा, this RM list is equals to LS bracket open. This one, let me just send you the command. ठीक है, no, actually, no, we can't hear you. Are you speaking? No, I can't hear you. Are you able to hear Akansha? Okay, your mic is on. Yes, your mic is on. Yes, I can see that. Just a second. Let me see what is the issue. My speaker is fine. Ananya, are you able to hear Akansha? Because I can't. No, ma'am. No. Akansha, you're not audible. Ma'am, could you please show the commands? Yeah, which one? Ma'am, after installing the packages. After installing the packages, then you just have to, you know, bring the data, call the data. Okay. So it's this, ये सब. लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी वो सब सिस्टम दिमाग में रखो, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, आपका डेटा कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाना है उसको. आकांक्षा, आई वुड सजेस्ट एक बार आप रीजॉइन करके देख लो. आई थिंक दैट शुड वर्क. ठीक है, सो ट्राई बीइंग टिल दैट पॉइंट. आई एम जस्ट कमिंग इन अ बिट. Ma'am, now am I audible? Yes. Yes, you're audible now. Yeah. Myself, I thought you were ignoring me. No, no. Yeah. Yes, sir. I'm not ignoring my mic is not okay. Ma'am, actually, I was saying ki in our college, we also had our R session workshop. Okay. So there also we were taught a lot of things. So tab काफी interest आया था. The question that you asked ना कि R कैसा अच्छा लगता then. Okay, okay. Yeah, I was also wondering why are you not saying anything? Ma'am, I was telling you ki hua and I was interested on. Okay, yes, I got it. हाँ, तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि maybe busy somewhere or something like that. Technology can make you do things like that. Yeah, but it's an interesting thing क्योंकि ठीक है, आप थियोरी कितना भी पढ़ लो, एंड प्लस इट्स सच अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू नीड टू नो हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ओनली देन यू विल गेट द रियल फील ऑफ थिंग्स। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टैट्स में भी जो स्टैटिस्टिक्स है अपना सेमेस्टर 2 में, वहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा बहुत कंपोनेंट ऐड होना चाहिए उस चीज़ का, ताकि नॉट इन अ बर्डनिंग वे टू स्टूडेंट्स, बिकॉज वो अभी अभी आए ही हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस कराते रहनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में तो ये सब चीज़ें, एक्सेल आना चाहिए आपको, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए जहाँ पे आप ये सब काम कर सको। तो एक्चुअल विजुअलाइजेशन तो इसी तरीके से होती है, तो दैट वेज इट विल बी गुड। हाँ जी ठीक है, तो कहाँ पहुँचे हम लोग? या शो द कमांड ऑफ डेटा। हाँ जी, डेटा इसी तरीके से बुलाना ना, आपको टेबल 517 लोड करनी है। ओके तो ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग ऑल ऑफ दीज इन द चैट सो यू कैन डू एवरीथिंग साइड बाय साइड। ठीक है, ओके, ऑल राइट, कमिंग बैक। सो ठीक है, फर्स्ट थिंग इज क्या है कि आपको स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है कॉस्ट वेरिएबल का बाकी तीनों वेरिएबल्स के साथ, एंड देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू सी। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट, काफ़ी नेटवर्क इशू आ रहा है, इवन योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जैसे अगर हमने रॉन्ग डेटा को बुला लिया, जैसे पहले मैंने stock data 1 को कॉल कर लिया था एंड देन मैग डेटा को, तो अगर हमको एनवायरनमेंट में से वो स्टॉक डेटा, सिर्फ ओनली stock data 1 को डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अच्छा, सिर्फ स्टॉक डेटा हटाना है? यस मैम। ठीक ठीक, तो जस्ट अ सेकेंड। आप क्या कर सकते, आप क्या, मान लो मैंने भी ये डेटा बुला लिया, मैं स्टॉक डेटा बुला लेती हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने ये स्टॉक डेटा मैंने भी बुला लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास स्टॉक डेटा हो गया और मैग डेटा हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मान लो स्टॉक डेटा हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो? RM। ठीक है, और फिर जो चीज़ आपको रिमूव करनी है, तो जैसे मान लो मुझे स्टॉक डेटा रिमूव करना था, स्टॉक डेटा को मैंने इधर ऐसे रिमूव कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये करना है, फाइन। यस मैम। और मान लो दो चीजें, कोई और डेटा भी बुला लेते, मान लो मैंने सेम ही डेटा को दो दो नाम से बुला लिया, जैसे stock data 1 वो भी यही डेटा है। ठीक है, और मान लो stock data 2 भी यही डेटा है, तो मेरे पास अब दो डेटा हो गए। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों डेटा एक्चुअली सेम ही है, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में अब 3 तरीके के डेटा हो गए। मैग डेटा हो गया, stock data 1, stock data 2। ठीक है, अब मुझे दोनों स्टॉक डेटा नाम की चीज़ें हटानी है, तो मैं stock data 1, stock data 2 ये ऐसे करके, और फिर इसको रन कर दिया। जो जो आपको हटाना है वो इसमें लिखते जाओ। ठीक है, और जब सब कुछ रिमूव करना है तो ये है, खाली करना है तो ये सब हटा दो। ऑलराइट, आकांक्षा, आई थिंक माई नेटवर्क इज वर्किंग फाइन, आई थिंक सम इशू फ्रॉम योर एंड। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब स्कैटर प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो स्कैटर प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ करोगे? मुझे स्कैटर प्लॉट किस किस के बीच में ड्रॉ करना है? मेरा कॉस्ट वेरिएबल पेज कॉस्ट को सर्कुलेशन से, पेज कॉस्ट को परसेंट मेल के साथ, पेज कॉस्ट को मीडियन इनकम के साथ। ठीक है, मुझे ये तीन स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने हैं। तो क्या करना है, सिंपली आप कोई भी एक कमांड पिक कर लो यहाँ से। ठीक है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है तो पार्ट 1। ठीक है, ड्रॉ दी स्कैटर प्लॉट of cost with all the other variables। ठीक है, तो क्या करना है, पहले मेरा जो डेटा है वो कौन सा होगा, मैक डेटा। ठीक है, मैक डेटा। मेरा जो एक्स वेरिएबल है, मुझे कॉस्ट के अगेंस्ट सारी चीजें प्लॉट करनी है, तो मेरा जो एक्स डेटा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस्ट का क्या नाम लिखा है, पेज कॉस्ट, राइट। तो इसको मैं पेज कॉस्ट लिख दूंगी यहाँ पे, पेज कॉस्ट। ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट हैव which y value is relevant for me. The y value that I'm looking for right now is circulation. Let's say this. ठीक है, circulation which is projected. Circulation projected. ठीक है, और ये कमांड आप रन कर दो, इससे क्या होगा कि पेज कॉस्ट और सर्कुलेशन उसके बीच में एक स्कैटर प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस यू रन एंड इसको जूम कर देते हैं। इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। जस्ट वन मोर थिंग, ये नंबर्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सो देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम विद दिस। एंड यू नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाई दिस इज हैपनिंग? Why such, there is no ordering here, right? There is no ordering here. 950, 840. ये ordering इस तरीके से नहीं हो रही है, right? Why is that happening? Can you identify? क्योंकि जब हमने data load किया तो ये सारा जो data है, it is being recognized as characters, and it is not being recognized as numbers. बट रादर ये नंबर्स की तरह एक रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, राइट? क्योंकि इनकम, परसेंट मेल, ऑल दीज, सो एक्सेप्ट फॉर द मैगजीन जहाँ पे तो नाम यूज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, रेस्ट एवरीथिंग शुड बी रिकॉग्नाइज, राइट? है ना? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स क्यों रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। तो हमारा टास्क क्या होगा कि जो जो चीज़ें नंबर्स के फॉर्म में है, पहले हम उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको नंबर के फॉर्मेट में लिख देंगे, न्यूमेरिक, एज न्यूमेरिक। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इन सब चीज़ों को न्यूमेरिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, हम ये सब चीज़ों को भी न्यूमेरिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो इसका बस नाम बदलना है, मैक डेटा कर दो। ठीक है, मैक डेटा म्यूटेट करना है, किस चीज़ को, कौन से वेरिएबल को, पेज कॉस्ट को। ठीक है, and then you have to do the same things with all the 4 variables, okay? तो यहाँ पे दूसरा है सर्कुलेशन। ठीक है, and then the other is percent mail. ठीक है, एंड द अदर वन इज मीडियन इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप कैसे करोगे, एज न्यूमेरिक कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज हुए हैं। और अब जब आप देखोगे कि अब जब आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब वो इस तरीके से वियर्ड तरीके से रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सेम कमांड दोबारा से रन कर दो। अब देखो, अब ये कितने प्यार से नीटली सारी चीजें अच्छे से, कि ये मेरी जीरो वैल्यू है, ये मेरी 5000 है, ये 10000 है, ये 15000 है, और ये पेज कॉस्ट है। तो अब नाउ इट्स वेरी डिसेंटली रिप्रेजेंटेड, एंड द अर्लियर प्रॉब्लम वाज हैपनिंग बिकॉज वी हैड द नंबर्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज कैरेक्टर्स। ठीक है, तो नंबर्स को जब तक नंबर्स की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। असेंडिंग डिसेंडिंग वो सब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको मेक श्योर करना है जब भी कोई नंबर हो वो यहाँ पे डेटा में एज न्यूमेरिक रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी जाके आप रिग्रेशन भी कर पाओगे। अगर ये यहाँ पे कैरेक्टर्स होते और हम लोग इस पर रिग्रेशन रन कर देते तो एरर आ जाता कि ये नंबर नहीं है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे और हम रिग्रेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्कैटर प्लॉट हो गया हमारे पास। फाइन, अब कॉस्ट के साथ ये हो गया। अब सिमिलरली मान लो आपको किसी दूसरी चीज के साथ प्लॉट करना है, तो हमें तो तीनों चीजों के साथ प्लॉट करना था। ठीक है ना, तो आप ये सेम कमांड कहाँ पे दोबारा पेज कॉस्ट के साथ, आपका अगला वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, परसेंट मेल। ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंट मेल रीडरशिप। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप रन कर दो। अब ये इस तरीके का स्कैटर प्लॉट दिखाई दे रहा है। दिस लुक्स वेरी रैंडम, राइट। कुछ वैल्यूज छोटी भी हैं, आगे जाके भी कुछ वैल्यू पेज कॉस्ट पे काफी ज्यादा है, कुछ मैगजीन्स का रीडरशिप। सो दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ रैंडम स्कैटर प्लॉट। द अर्लियर वन फेल्ट कि कुछ पैटर्न है। जब इसको अगर रन करके देखा तो जितना ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ रहा है उतना ज्यादा ही पेज कॉस्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। दिस सीम्स लाइक अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कि जितनी ज्यादा सर्कुलेशन है किसी मैगजीन की, ऑब्वियसली वहां पे ऐड अगर दोगे तो द चांसेस आर कि वहां पे ऐड देने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इस प्लॉट को जब आप रन करते हो तो इसको जब देखते हो तो इससे क्या लगता है कि मेल रीडरशिप अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेज कॉस्ट बढ़ ही जाएगी, उस मैगजीन में ऐड देने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दिस फील्स रैंडम, तो मे बी व्हाट इट मीन्स इज कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का रीडरशिप, मेल कितना परसेंट है, फीमेल कितना परसेंट है, मे बी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, अगर फर्क कोई पैटर्न होता तो वो स्कैटर प्लॉट में भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, विच इज नॉट द केस राइट नाउ, राइट। तो यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, और थर्ड जो चीज हमें प्लॉट करनी है वो ये हो जाएगी, विच इज मीडियन इनकम। ठीक है, तो जो जहाँ पे जितनी जैसी रीडरशिप है, जिसके रीडर्स की मीडियन इनकम ज्यादा है। ठीक है, दिस इज मीडियन इनकम, मीडियन इनकम, मीडियन इनकम ऑफ द रीडरशिप। ठीक है, तो अगर इसको आप प्लॉट करते हो तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो व्हाट डू यू सी, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पैटर्न दिखाई दे रहा है, हल्का सा कि पेज कॉस्ट जितना ज्यादा आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं lower values of median income are associated with lower cost, and then higher value of page cost जो है वो median income पे उतना ज़्यादा depend नहीं कर रहा है। Can you tell me the reason why it's looking little flat here? And why not upward sloping directly? क्या possible reason हो सकता है? जैसे मान लो एक मैगजीन है जिसकी जो रीडर्स हैं वो बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो उस मैगजीन में ऐड देने के लिए तो खर्चा ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो जितनी ज्यादा ऐड कॉस्ट अगर मान लो किसी की बढ़ रही है तो उस कैटेगरी की मीडियन इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो? तो वन पॉसिबल रीजन कुड बी कि आपकी मीडियन इनकम क्या होती है, वो इनकम जिसके नीचे 50% लोग हैं, जिसके ऊपर 50% लोग हैं। तो अगर ऊपर वाले 50% लोगों की इनकम, मतलब चाहे मान लो मीडियन इनकम 1 लाख है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले लोगों की चाहे सबकी इनकम 1 करोड़ हो तो भी मीडियन उतना ही रहेगा, और सबकी इनकम मान लो 2 लाख है तो भी मीडियन उतना ही रहेगा। तो वो जो ऊपर वाले 50% की जो कैटेगरी है उसमें चीजें मे भी इम्प्रूव हो रही हो, मे भी आपकी रीडरशिप की इनकम बहुत ज्यादा हो रही होगी 50% वाले ऊपर वाले लोगों की, लेकिन वो 50% वाले ब्रैकेट पे अगर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो वो मीडियन इनकम पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल हो सकता है कि जो इतनी महंगी पेज कॉस्ट हो उसके एसोसिएटेड एवरेज इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन मीडियन इनकम may not be changing because that border of that number and below 50 that may not be changing, right? कि उसके ऊपर वाले लोग बहुत अमीर हो गए हो लेकिन बस वो बॉर्डर वाला इंसान अगर वहीं पे भी है तो मीडियन इनकम उतनी रहेगी, राइट? सो दैट कुड बी वन रीजन। सो मे बी इस चीज को करने का एक बेटर तरीका ये हो सकता था कि एवरेज इनकम यूज कर लेते, राइट? दैट कुड हैव बीन अ मोर अप्रोप्रिएट थिंग, ठीक है? फाइन। तो ये इस तरीके से स्कैटर प्लॉट हो गया, दिस इज फाइन। तो हमारा पहला टास्क हो गया, किस किस तरीके की रिलेशनशिप्स देखी, जो रीडरशिप है उसके साथ कोई पैटर्न नहीं देखने को मिला, जो हाउस होल्ड इनकम है वो लो लेवल, जितनी ज्यादा हाउस होल्ड इनकम मीडियन बढ़ रही है उतनी ज्यादा पेज कॉस्ट बढ़ रही है, बट आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स सेम स्टेबल, ठीक है? And what was the other one? हाँ, प्रोजेक्टेड रीडरशिप, जितनी ज्यादा रीडरशिप है आपकी उतनी ज्यादा पेज कॉस्ट बढ़ रही है, इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। फाइन। अच्छा, अब इसके बाद पार्ट बी क्या बोल रहा है? व्हाट इज पार्ट बी टेलिंग अस? पार्ट बी, तो दिस वाज पार्ट ए, पार्ट वन, ठीक है? पार्ट बी क्या बोल रहा है वो देखते हैं। Part 2 of the question is asking the following कि linear regression fit करो with all the variables. First linear regression fit करो, linear regression, and then what else? Then what are we supposed to do? Residual versus fitted values plot, ठीक है? तो हमें क्या करना है वो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बता दिया है कि यू हैव टू मेक अ प्लॉट ऑफ रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यूज। ठीक है, तो पहले तो लीनियर रिग्रेशन रन करेंगे। रिग्रेशन रन करने का कमांड क्या है? बड़ा सिंपल है, उसमें तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है? तो मान लो ये कमांड आराम से देख लो एक। तो क्या करना है? मेरा फर्स्ट मॉडल नंबर 1, उसमें क्या है? लीनियर मॉडल फिट करना है किसके बीच में? सो वाई वेरिएबल क्या है मेरा? कॉस्ट, पेज कॉस्ट, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इधर हम लोग लिख देंगे पेज कॉस्ट, ठीक है? और इसको रन किससे करना है? सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। तो सारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं? एक तो वेरिएबल है सर्कुलेशन, ठीक है, प्लस एक वेरिएशन है परसेंट मेल, ठीक है, प्लस एक वेरिएशन है, मतलब सॉरी, एक एक वेरिएबल है मीडियन इनकम. Yes, these three variables that I want, and what is the data that you have to use for regression? MAG data, ठीक है, मैगजीन डेटा. तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया और फिर हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है अब इस मॉडल की समरी दिखा देना. ठीक है, ये कमांड हमने देखी और अब हम लोग ये कमांड रन कर देंगे. तो क्या करना था, लीनियर रिग्रेशन रन करना था. मॉडल वन लिख दिया है, लीनियर फिटिंग करनी है मॉडल की. वाई वेरिएबल है पेज कॉस्ट, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं सर्कुलेशन, परसेंटेज, मेल रीडरशिप एंड मीडियन इनकम, एंड द डेटा दैट यू हैव टू पिक इट फ्रॉम इज मैग डेटा विच इज दिस वन. ठीक है, ये डेटा है हमारा. तो अब हमने ये लीनियर फिटिंग कर दी, हम इसको रन कर देते हैं. ये अब हमारा मॉडल रन हो गया और इसकी समरी देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, तो इस चीज को देखो जरा. तो ये चीज है, ठीक है. अब यहाँ पे सर्कुलेशन, परसेंट मेल, मीडियन इनकम. तो अब ये देखो, इसको देखना जरा, किसको, इस नंबर को. जो सर्कुलेशन है उसका जो एस्टिमेट आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव. व्हाट डज दैट मीन, उस सर्कुलेशन का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ रहा है. इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा सर्कुलेशन होगी उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, उतनी ज्यादा आपकी उस मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देने की कॉस्ट होनी चाहिए, राइट. सो इफ सर्कुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन एवरेज द पेज कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 5.2815 यूनिट्स कीपिंग एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट. दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट दिस. ठीक है, और ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसकी जब यहाँ पे देख रहे हो वैल्यूज, यहाँ पे 3 स्टार्स लगे हुए हैं, मतलब दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट, मतलब ये वेरिएबल काफी सिग्निफिकेंट है, राइट. सिमिलरली जब आप यहाँ पे सेकंड वेरिएबल देख रहे हो, परसेंट मेल, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि मेल परसेंट रीडरशिप अगर 1% से बढ़ती है तो पेज कॉस्ट कम हो रही है यहाँ. इसका तो यही मतलब है. लेकिन इसकी टी वैल्यू देखो कितनी छोटी है, और इसका जब पी वैल्यू देख रहे हो तो इतना बड़ा है, और यहाँ पे कोई स्टार भी नहीं है. मतलब दिस इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट, दिस कोएफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंट. इस केस में आप नल को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट. सिमिलरली हियर यू विल सी दैट ओके, जितनी ज्यादा मीडियन इनकम उतना ज्यादा रीडरशिप, मतलब पेज पे जो एड की जो कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, और यहाँ पे 1 स्टार है तो बेसिकली पी वैल्यू इज 0.02. मतलब अगर मान लो 5% लेवल पे सिग्निफिकेंस देखी जाए तो दिस कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, और ये अपनी R² वैल्यूज हैं, एडजस्टेड R² वैल्यूज हैं, और ये सब अलग अलग प्रकार का आपका डेटा दिया हुआ है. ठीक है, तो जो पैटर्न हमने स्टार्टर प्लॉट में देखा था कि भाई मेल परसेंट रीडरशिप का ज्यादा कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है कि कॉस्ट के साथ, तो वो चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये सिग्निफिकेंट ही नहीं है. लेकिन वी सॉ सम रिलेशनशिप विद कितना सर्कुलेशन है उस मैगजीन का और मीडियन इनकम कितनी है, तो वो चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट. ये चीज क्लियर हो गई. तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो आपको यही तो डेटा देते हैं और उसी बेस आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, ये सब चीजें ही तो पूछते हैं, राइट. ठीक है, अब इसके ये चीज क्लियर हो गई. यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हमारा जो एक पार्ट था, हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? ऑल गुड. तो मेरा एक हमने प्लॉटिंग कर दी क्या रेसिडुअल्स ऑफ फिटेड वैल्यूज की? नहीं, अभी नहीं करी, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया. ओके मैम, हाँ अभी हम करेंगे उसको. ठीक है, तो पार्ट बी जो है वो क्या बोल रहा है कि ये मॉडल से जो रेसिडुअल्स आएंगे आपके, रेसिडुअल्स मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई है माइनस जो आपने फिटेड वैल्यू करी है, ठीक है, वाई हैट, उन दोनों के बीच का गैप. तो रेसिडुअल्स को किसके कॉरेस्पॉन्ड, रेसिडुअल्स को प्लॉट करना है और किसको प्लॉट करना है, फिटेड वैल्यूज को. तो एक साइड पे रेसिडुअल होंगे, एक साइड पे फिटेड वैल्यूज होंगी। रेसिडुअल्स वाई एक्सिस पे, फिटेड वैल्यूज एक्स एक्सिस पे। तो पहले तो मैं इन दो कॉलम बना लेती हूँ, एक फिटेड वैल्यू का, एक रेसिडुअल का, और फिर उन दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर दूंगी। राइट, तो फिटेड वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यूज मुझे निकालनी है। राइट, तो ठीक है, नो इश्यूज। तो ये हमने पहले भी किया था। सिंपल आप ये कमांड यूज कर सकते हो अपने डेटा में फिटेड वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यूज ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो मैग डेटा है, मैग डेटा, मेरा मैग डेटा है, उसमें मुझे क्या चाहिए, फिटेड वैल्यूज चाहिए फ्रॉम मॉडल 1। दिस वाज माय मॉडल 1। और उसका नाम क्या है, पेज ऐड। क्या नाम था उसका, वाई वेरिएबल का, पेज कॉस्ट, पेज कॉस्ट हैट। ठीक है, ये पेज कॉस्ट हैट नाम का एक वेरिएबल बना दो जो फिटेड वैल्यूज दे मुझे इस मॉडल से। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू। तो हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया। ठीक है, इससे हमारे पास 6 वेरिएबल बन गए। एंड ये मेरा मैग डेटा, ये मेरी पेज कॉस्ट है जो पेज कॉस्ट हैट आई है। ठीक है, और फिर रेसिडुअल्स कैसे निकालेंगे वो उसके लिए भी डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है कि यहाँ पे मॉडल 1 से रेसिडुअल्स नाम का एक कॉलम बना दो और उसको मैग डेटा में ऐड कर दो। ठीक है, इस कमांड को जब रन करोगे तो रेसिडुअल्स आ जाएंगे। तो अब आपके 7 वेरिएबल्स हो गए और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेसिडुअल्स हो गए, ये पेज कॉस्ट हो गए। राइट, और अब देखो जैसे कि यहाँ पे 61,000 समथिंग, दिस इज 12,000, सो क्लोज टू 73,000 विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पेज कॉस्ट। तो वाई हैट प्लस रेसिडुअल्स इज इक्वल्स टू वाई। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेसिडुअल्स और पेज कॉस्ट नाम के 2 कॉलम्स बना लिए अपने डेटा में। अब मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस पे अपने पेज कॉस्ट हैट पुट कर दूंगी और वाई एक्सिस पे रेसिडुअल्स प्लॉट कर दूंगी और उन दोनों के लिए एक स्कैटर डायग्राम प्लॉट कर देंगे हम। ठीक है, तो कोई भी एक कमांड ये वाली कॉपी करके अपना यहाँ से स्कैटर प्लॉट का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पेज कॉस्ट हैट, वो मेरा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ये मेरी फिटेड वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या होगा, रेसिडुअल्स। ठीक है, रेसिडुअल्स, तो ये ये रेसिडुअल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया कि ठीक है, दीज आर माय रेसिडुअल वैल्यूज। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे फिटेड वैल्यूज हो गई, वाई एक्सिस पे रेसिडुअल वैल्यूज हो गई, और फिर इनको आप रन कर दो। तो व्हेन यू डू दैट इट इज लुकिंग लाइक दिस। सो दीज आर योर प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, दीज आर योर प्रेडिक्टेड वैल्यूज, दीज आर योर रेसिडुअल वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे देखो, जैसे जब पेज कॉस्ट कम थी तो क्या हो रहा है, रेसिडुअल्स वैल्यू कम थी, फिर पेज कॉस्ट हैट की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू अगर बड़ी हो रही है तो रेसिडुअल्स भी वहां पे बड़ी वैल्यू ले रहा है। राइट, तो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न डू यू सी, पैटर्न दिखाई दे रहा है ना हमें, अपवर्ड स्लोपिंग। राइट, यस और नो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था एस्टिमेट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन विद ऑल द वेरिएबल्स एंड क्रिएट अ रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यूज प्लॉट। ये हमने प्लॉट किया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डज द प्लॉट एग्जिबिट कांस्टेंट वेरिएंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट से लेके राइट पे जा रहे हो तो क्या आपको कांस्टेंट वेरिएंस देखने को मिल रही है क्या रेसिडुअल वैल्यूज की। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस देखने का मतलब क्या है कि जब मान लो पेज हैट की प्रेडिक्टेड वैल्यू 3000 है तो वैल्यूज यहीं पे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। फिर मान लो जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई तो वैल्यूज़ का जो वेरिएंस है वो बहुत बढ़ गया, फिर पेज कॉस्ट जब और बढ़ गई तो वैल्यूज़ का जो वेरिएंस है वो थोड़ा और कम हो गया। फिर इस तरीके से मेजॉरिटी वैल्यूज़ आपको इसी रेंज में मिल रही हैं। फिर यहाँ पे भी हैं वैल्यूज़ जहाँ पे वेरिएंस बहुत कम है, तो हमें कांस्टेंट वेरिएंस तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे हमें जिस तरीके की हम लोग बातें करते थे कि भाई मान लो इसी रेंज में लाए करेंगी, 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 इस तरीके का तो पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा ना। यहाँ पे तो रेंज इतनी है, फिर यहाँ पे तो बहुत ही कम है, फिर यहाँ पे बहुत ही छोटी सी रेंज थी, फिर एकदम से यहाँ रेंज बढ़ गई, फिर थोड़ी और कम हो गई, फिर यहाँ तो वैसे भी नहीं है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो कांस्टेंट वेरिएंस तो नहीं दिखाई दे रहा है ना जैसे जैसे ये वाई हैट वैल्यू बढ़ रही है, राइट? वी डोंट सी अ कांस्टेंट। या मैम अगर ऐसा स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस आती, डज दैट मीन इट इज होमोस्केडास्टिक? तो यहाँ पे तो सिर्फ ये वर्ड होमोस्केडास्टिक वी वोंट से। होमोस्केडास्टिसिटी का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएंस। कि कांस्टेंट वेरिएंस एंड कोई पैटर्न एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे पेज कॉस्ट हैड कब बढ़ता है, जब आपके बाकी वेरिएबल्स वैल्यूज बदल रहे हैं, राइट? जैसे रीडरशिप बदल रहा है, सर्कुलेशन। ये पेज कॉस्ट हैड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज थ्री वेरिएबल्स दैट यू हैव। तो मान लो जब उसमें बदलाव हो रहा है, और अगर ये वेरिएंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा, ये वेरी जिस हिसाब से कर रहा है वो सेम है, तो क्या बोलोगे आप कि कांस्टेंट वेरिएंस है। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? सो हेट्रो, या सो देन वी से कि नहीं, कांस्टेंट वेरिएंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, सो देयर इज सम एसोसिएशन। ठीक है, तो मतलब जो यूआई है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नहीं, यूआई की बात नहीं, ईआई व्हिच टेल्स अस, या यस, व्हिच टेल्स अस समथिंग अबाउट द एरर्स। यस, सो दैट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इसका मीन जीरो होना चाहिए एंड वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। नहीं, नॉर्मली मीन की बात नहीं कर रहे, मीन की अलग चीज हो जाती है। और ये भी नहीं बोल रहे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हो सकता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो बट विद अलग अलग वेरिएंस, विद डिफरेंट वेरिएंसेस, राइट? बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वेरिएंस सिमिलर नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब लेट्स से कि इस तरीके से नहीं है कि चलो ये वाली ये वैल्यूज, फिर ये वाली ये वैल्यूज, फिर ये वाली ये वैल्यूज, सिमिलर वेरिएंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। तो हाँ, तो जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा था कि क्या आप एक कांस्टेंट वेरिएंस दिखाई दे रहा है, तो नहीं, ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काफी वेरिएशन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज सस्पेशन कि हो सकता है कि इस तरीके की चीज में हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो। ठीक है, फाइन। अब पार्ट सी जो है वो क्या बोल रहा है? अब आपको मॉडल रन करना है। मीडियन इनकम जैसा था वैसे ही रहेगा, परसेंट मेल जैसे था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे सर्कुलेशन लॉग में होगा और ये जो वाई वेरिएबल है वो भी लॉग में होगा। ये तो पहले तो मुझे ये दोनों वेरिएबल्स लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, फिर इसका रिग्रेशन रन करना पड़ेगा और फिर इसका रेसिडुअल प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, does this model fit better than the one in the part B? ठीक है, can create another residual plot। ठीक है, तो ओके, and can you see कि हमने यहाँ पे fitted values plot किए। यूजुअली हम लोग क्या बोल देते थे कि रेसिडुअल्स को एक्स वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट कर दो, राइट? यहाँ पे कोई भी एक एक्स वैल्यू क्यों नहीं प्लॉट करी? जैसे मान लो मेल परसेंटेज और रेसिडुअल्स, उसको क्यों नहीं प्लॉट किया? हैट के साथ क्यों प्लॉट किया? इसका रीजन ये है कि देखो, जब आपके पास एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिडुअल वैल्यू प्लॉट कर लो और फिर देख लेते हो कि ठीक है जैसे जैसे एक्स वैल्यू बढ़ रही है क्या रेसिडुअल्स का क्या पैटर्न आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक एक्स वैल्यू नहीं है ना, 3 एक्स वैल्यूज हैं, राइट। तो अब उसको कंबाइन करने का क्या तरीका है कि वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करना हो तो फिटेड वैल्यूज यूज करना इज अ गुड वे, क्योंकि वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल द 3 वेरिएबल्स, राइट। जो पेज कॉस्ट हैट होगा वो क्या होगा, B1 प्लस B2 सर्कुलेशन प्लस B3 मेल रीडरशिप प्लस B4 मीडियन इनकम, ये इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आ गया, राइट। अगर एक ही वेरिएबल होता तो फिटेड वैल्यूज का ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ती, वी कुड हैव जस्ट यूज दैट एक्स वेरिएबल, राइट। तो कई बार जब आपका मल्टीपल वेरिएबल वाला मॉडल होता है और फिर वहां पे देखना होता है कि उसकी डेस्टिसिटी है या नहीं, तो आप ये जो वाई हैट वैल्यू है उसको भी यूज करते हो, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, कमिंग बैक, अब पार्ट 3 जो है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे रिग्रेशन किसका रन करना है, लॉग वाई एंड लॉग सर्कुलेशन का। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले मुझे लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, राइट। तो जैसे मान लो मुझे पहले अपने डेटा में म्यूटेशन करनी पड़ेगी, डेटा को बदलना पड़ेगा, राइट। लॉग पेज कॉस्ट वो कैसे बनेगा, लॉग वैल्यू ऑफ, लॉग वैल्यू चाहिए किस चीज की, लॉग वैल्यू चाहिए पेज कॉस्ट की, राइट, है कि नहीं। इससे लॉग वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम रन कर देंगे, फाइन। सिमिलरली I also have to use the log of circulation, right? Log of circulation is log value of circulation column, right? तो ये किया तो इससे circulation की log value आ गई। अब जब आप data को देखते हो तो यहाँ पे ये देखो, एक column है log page cost, एक column है log circulation, तो ये इसका और इसका लॉग वैल्यू से जो आंसर आ रहा है वो है, ठीक है, फाइन। तो ये लॉग वैल्यूज ली। अब जो मुझे पार्ट 3 में रिग्रेशन रन करना है वो किसके बीच में है, लॉग वाई वैल्यू, ठीक है, फिर लॉग सर्कुलेशन एंड फिर मेरी मेल रीडरशिप एज इट इज, मेल परसेंट एज इट इज, फिर और उसके अलावा मेरा मीडियन इनकम, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल से मुझे रिग्रेशन रन करना है। तो जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स थे वो तो मैंने बना लिए, अब मुझे अपना बस रिग्रेशन ही तो रन करना है। तो रिग्रेशन रन करने के लिए आप क्या करो, बस ये कमांड यूज करनी है। तो नया मॉडल हम लोग रन कर देंगे, तो यस हमारा मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी दिस, मॉडल नंबर 2 है इसका नाम। अब इसमें पेज कॉस्ट की जगह मुझे कौन सा वेरिएबल यूज करना है, लॉग अंडरस्कोर पेज कॉस्ट। और ये लोग अंडरस्कोर पता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्पेस को अवॉइड करना है। यूजुअली जब आप थोड़ी कोडिंग करने लग जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हम ये याद नहीं रख सकते कि स्पेस कहाँ है, कितने स्पेस है, 1 स्पेस है, 2 स्पेस है। इसीलिए स्पेस जब भी देना हो ना तो स्पेस की जगह अंडरस्कोर लिख देते हैं। तो मुझे यही लिखना था कि लॉग पेज कॉस्ट, तो जहां जहाँ पे भी स्पेस आ जाता है वहां पे अंडरस्कोर लिख देते हैं ताकि हमें दिख जाए कि वो मतलब ठीक है, गैप भी आ जाए और पता भी चले कि एक कैरेक्टर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स बेसिकली द रीजन, हाँ। और फिर यहाँ पे क्या है, लॉग सर्कुलेशन, ठीक है। और फिर परसेंट मेल एज इट इज चाहिए था, मीडियन इनकम एज इट इज चाहिए था। ये मेरा मॉडल नंबर 2 है और यहाँ पे भी ये मेरा मॉडल नंबर 2 हो गया, ठीक है। और इसको आपने रन कर दिया, तो ये हमने रन किया, ये हमारा मॉडल हुआ और फिर इसकी समरी आई और ये हमारा डेटा हो गया। अब इसको देखो जरा, इसके इसमें देखो R² वैल्यू 85% हो गई और इस केस में R² वैल्यू कितनी थी, 69%। तो मतलब वो वाला मॉडल बेटर है ना कि नहीं, बताओ। उसकी आर स्क्वायर वैल्यू 84 या 85% आ रही है ना, और इसकी आर स्क्वायर वैल्यू 69। सो डज दैट मीन कि दी अदर मॉडल इज बेटर और नो? टेल मी, क्या लगता है, बेटर है कि नहीं? आर स्क्वायर तो कंपेयर नहीं हो सकता बिकॉज डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो सेम फॉर्म में नहीं। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो ऐसे भावनाओं में नहीं बहेंगे हम, और हम इनके आर स्क्वायर को नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। तो ये रीजन नहीं होना चाहिए हमारा ये वाला मॉडल यूज करने का, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, गुड गुड, यू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट। ये लॉग सर्कुलेशन वैल्यू भी हाईली सिग्निफिकेंट। परसेंट मेल का यहाँ पे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई स्टार वैल्यू नहीं आए, इसका मतलब है कि इट इज इनसिग्निफिकेंट, यू आर नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल, ठीक है। तो परसेंट मेल का कोई इम्पैक्ट नहीं है ऑन द एड स्पेंडिंग, ठीक है, मीडियन इनकम का है। और एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू काफी बड़ी है, सारे वेरिएबल एक्सेप्ट फॉर परसेंट मेल आर गुड, ठीक है। ऑल राइट, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉडल में। आगे का क्वेश्चन क्या बोला हमें कि अब क्रिएट अनदर रेसिडुअल प्लॉट, अब दूसरा एक रेसिडुअल प्लॉट करो। डज दिस मॉडल फिट बेटर देन द वन इन पार्ट बी? तो इसकी जो फिटिंग है, क्या क्या ये बेटर फिट कर पा रहा है डेटा को? तो डेटा को बेटर फिट कर पा रहा है या नहीं, तो एक बार ये देख लेते हैं इसको। तो अब जैसे ये देखो, रेसिडुअल प्लॉट करने का यहाँ मतलब होगा क्रिएट अनदर रेसिडुअल प्लॉट। तो रेसिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ की एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी और एक रेसिडुअल वैल्यू होगी मॉडल नंबर 2 की। तो जो यहाँ पे हमने किया है सेम चीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेज कॉस्ट की जगह लॉग पेज कॉस्ट हैट हो जाएगा, और यहाँ पे रेसिडुअल की जगह रेसिडुअल 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये रेसिडुअल मॉडल नंबर 2 से आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मॉडल नंबर 2 से आया होगा, और फिर इन दोनों को रन कर दिया, ठीक है। इसको जब रन किया तो 2 मेरे पास नए कॉलम्स ऐड हो गए, एक तो लॉग पेज कॉस्ट हैट और एक रेसिडुअल फ्रॉम द सेकेंड मॉडल, और फिर इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, प्लॉट कर दूंगी, ठीक है, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए। तो जब आप स्कैटर प्लॉट बनाने जाओगे तो देन यू कैन डू दिस, राइट। ये सेम कमांड आप यूज कर सकते हो फॉर प्लॉटिंग द रेसिडुअल्स। यहाँ पे लॉग पेज कॉस्ट हैट हो जाएगा एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू जो है वो रेसिडुअल 2 हो जाएगा, रेसिडुअल वैल्यूज, और फिर आप इसको रन कर दोगे, ठीक है। इसको जब हम रन कर रहे हैं तो अब ये देखो, ये किस तरीके का सिस्टम है। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? No. It feels random, right? It looks random. तो यहाँ से फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें एज सच कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि हाई वैल्यू ऑफ लॉग पेज कॉस्ट is associated with maybe higher variance or lower variance. We don't see any pattern, so this makes us feel a little confident कि ठीक है, ये जो है जितनी बड़ी log page cost value बढ़ रही है उससे residuals का कोई लेना देना नहीं है. तो there is no pattern that we see here, which is essentially what we wanted. थोड़ी randomness चाहिए errors में, right? Yes, ठीक है, अच्छा। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, does this model fit better than the one in part B? पार्ट बी में जो मॉडल था वो कैसा फिट कर रहा था, एक बारी अच्छा, डज दिस मॉडल फिट बेटर देन द वन इन पार्ट बी, जब फिट करेंगे तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज। हाँ तो देखो कितना अच्छा फिट कर रहा है, उसके लिए मैं एक्चुअल वैल्यू और फिटेड वैल्यूज का ग्राफ देख लूं, और जितना मेरी एक्चुअल वैल्यूज फिटेड वैल्यूज के नजदीक होंगी उतना मेरे को भरोसा है कि अच्छे से फिट हो रहा है, राइट। तो जैसे मॉडल नंबर 2 जो है, सॉरी मॉडल नंबर 1 जो है, उसमें अगर मैंने ये प्लॉट किया होता, किसको प्लॉट किया होता, इसको, कि ये देखो ये एक्स एक्सिस पे फिटेड वैल्यूज, वाई एक्सिस पे मान लो मैंने एक्चुअल वैल्यूज यूज की होती, पेज कॉस्ट, ठीक है, और ये एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वाई वैल्यूज, मान लो इसको प्लॉट करेंगे तो ये मेरे को क्या बताता है, दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यूज, page cost hat, this is my predicted value and this is my actual value. Ideally क्या होना चाहिए, मैं ideal, मेरे लिए ideal situation क्या होगी, कि मेरी predicted value बिल्कुल exactly वही आ जाए जो मेरी कौन सी value है, actual value, तभी मेरा residual value 0 रहेगा, right? है कि नहीं? यस राइट। तो मान लो मैं एक 45 डिग्री लाइन बना दूं, और जितना मेरा 45 डिग्री लाइन के करीब होगा ये सिस्टम उतना अच्छा है, है ना। तो मान लो अब एक 45 डिग्री लाइन हमें बनानी है, तो इसमें मुझे एक लाइन ऐड करनी है, राइट। तो उसको देखते हैं एक बारी, तो इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ, प्लस अंडरस्कोर लाइन, ठीक है, और ये जो भी मेरी लाइन होगी उसमें मेरी इंटरसेप्ट वैल्यू जो है, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0, कॉमा स्लोप इज इक्वल्स टू 1, राइट, and rest I don't need anything else. Let's see if this works. Okay, it did not. And what is the error? Logioline. Okay. I think it should be AB line and not line. Okay, fine. Hanji, can you see this now? ये मेरी 45 डिग्री लाइन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि this is how it's looking like, this is how the fit is, right? कि it's मतलब कह सकते हैं कि ठीक है, when the page cost is lower, क्या हो रहा है? We are, the actual value is something and we are predicting something lesser. No, we are actually predicting higher. And when the page cost is actually high, yeah, we are predicting something smaller, right? So this is the kind of fit that we are getting. And yes, ये line है, this is y hat वाली line. नहीं, ये जो लाइन है ना, दिस वन, ये जो लाइन है ना, ये क्या बता रही है? दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब पेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू पेज कॉस्ट हैट. वो कब होता है? जब रेसिडुअल जीरो है, राइट? तो ये एसआरएल है ना, मतलब नहीं, पीआरएल है कि ये एसआरएल है? अच्छा, वो उसको आप प्लॉट ही नहीं कर सकते. 3 वेरिएबल है और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, 4D में तो जा ही नहीं सकते. अगर करना हो, अगर लीनियर वाला तो दिस इज दी. ओके, सो यू कांट. हाउ मेनी वेरिएबल्स यू कैन इन 2D? यू कैन ओनली प्लॉट 2 वेरिएबल्स, राइट? 1 डिपेंडेंट, 1 इंडिपेंडेंट. बट लीनियर मॉडल में तो कर सकते हैं. लीनियर मॉडल में नहीं, कैसे करेंगे बताओ? लीनियर मॉडल में 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, 3x वेरिएबल्स यू हैव एंड 1 y वेरिएबल. नो मैम, लीनियर मींस 1 x है सिर्फ और 1 y है. बाई वेरिएट की बात करूं, हाँ, एक उसको कर सकते हो, उसको तो हम करते नहीं हैं. हाँ, तो उसमें जो ये लाइन बनता था वो PRL होता था. ये जो लाइन होती थी सैंपल रिग्रेशन लाइन. तो अगर जैसे हम ये, जैसा आप बोल रहे हो 3D वाला, बिकॉज यहाँ पे वी हैव 3 एक्सपेरिमेंटर, तो इसमें तो 3D बनेगा. तो इसमें नहीं, 3D नहीं बनेगा, 4D. 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल. ओह यस यस, 4D यू कांट हैव. हां या, तो ये वो लाइन है नहीं, क्योंकि ये क्या लाइन है? ये सिर्फ एक 45 डिग्री लाइन है. ये 45 डिग्री लाइन मेरे को क्या बता रही है कि इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है ना, तो वहां पे एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू सेम है. मतलब पेज कॉस्ट हैट एंड पेज कॉस्ट सेम है, और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है. हाँ, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पे रेसिडुअल जीरो है. बाकी ऊपर नीचे होंगी वैल्यूज, राइट? बाकी आइडियली मुझे लगता है आपको यहाँ पे पेज कॉस्ट हैट बनानी चाहिए वाई एक्सिस पे. कहाँ बनाई हमने? ये वाली लाइन, पेज कॉस्ट यहाँ होना चाहिए, पेज कॉस्ट हैट यहाँ होनी चाहिए. ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे ना, तो ये आपको क्या बता रहा है कि एक्चुअल वैल्यू वाई ये थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू ज्यादा है. एक्चुअल वैल्यू ये थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू कम है. इस तरीके से आपको बता रहा है. तो इस लाइन से अगर आप ऊपर आ रहे हो या नीचे आ रहे हो, उससे क्या पता चल रहा है? रेसिडुअल्स का पता चल रहा है, राइट? तो हम इस केस में वो डायग्राम्स बना ही नहीं सकते जो 2D के लिए बना सकते थे. ठीक है मैम, जब हम 2D की बात करते थे सिंगल वाले की एक एक्सप्लेनेटरी, तब हम रेसिडुअल्स को जानना चाहते थे कि रेसिडुअल्स कैसे हैं, कि वो फिट हो रहे हैं कि नहीं, तो हम एक्स एक्सिस पे एक्चुअल वैल्यूज प्लॉट करते थे और वाई पे एक्चुअल वाई, और फिर ए बी लाइन बनाते थे. एंड देन वी यूज्ड टू सी कि कैसा है ऐसा. हाँ, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स होती थी एक्स एक्सिस पे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई होती थी, फिर एक आपकी फिटेड एक लाइन बनती थी जो सैंपल रिग्रेशन लाइन बनती थी, और फिर आप अपनी एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का गैप देखते थे, और वो जो गैप होता था वो आपका रेसिडुअल होता था। हाँ ओके, यहाँ पे तो कुछ और ही, हम लोग बस थोड़ा सा वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद इट बिकॉज वी कैन नॉट एक्चुअली प्लॉट दोज थिंग्स। ओके राइट, तो हियर तो वी आर जस्ट सीइंग कि ठीक है यहाँ पे रेसिडुअल्स कैसे हैं। अब सिमिलरली जब इस चीज के लिए देखोगे, यहाँ पे लॉग वाली वैल्यूज के लिए देखोगे, तो लॉग वाली वैल्यूज के लिए मेरे पास क्या सिस्टम है? मेरे पास जो y वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरी, वो क्या होगी? लॉग वैल्यू, राइट। लॉग पेज कॉस्ट हो गया, और मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हो गई? लॉग अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर हैड। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, राइट right? है कि नहीं? तो which seems to be more fitting? This one. इसमें values बहुत ज्यादा आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल y is equals to x के ऊपर ही लाई कर रही है। रेसिडुअल वैल्यू थोड़ी सी कम है, राइट right? यस yes. और ऑन दी अदर हैंड मान लो दूसरे वाले को बना रहे होते, दूसरे वाले केस में हमारे पास ये सिचुएशन थी ये। तो दिस इज गिविंग मी मोर कि एक तरफ सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो गई, एक तरफ सारी छोटी छोटी वैल्यूज हो गई, राइट। एंड हियर इट इज अ लिटिल बैलेंस्ड एंड मोर क्लोजर टू दी एक्स इज इक्वल्स टू वाई लाइन। So all of these things make me believe that the second model seems to be more appropriate, right? और एक चीज और कर सकते हो आप, जैसे क्या कर सकते हो देखो, मेरे को क्या बताना था कि कौन सा मॉडल बेटर फिट कर रहा है मेरे डेटा, राइट right? तो विच मॉडल फिट्स द तो देखो फर्स्ट मॉडल जब हमने रन किया था तो मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई है और एक फिटेड वैल्यू ऑफ वाई आई, ठीक है। सेकंड मॉडल में भी मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई आई, एक एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई थी, फिर उससे मेरे पास जो मैंने फिटिंग करके जो वैल्यू बताई वो मेरी किसकी वैल्यू आई? लॉग वाई हैट की वैल्यू आई, राइट। जब आपने फिटिंग की तो राइट, तो उस लॉग वाई हैट से क्या मैं वाई हैट निकाल सकती हूँ? एंटायर लॉग लेना पड़ेगा शायद। तो हाँ एग्जैक्टली या फिर मैं मान लो जो लॉग वाई हैट वैल्यू है वो मान लो 2 है, तो मैं उस लॉग वाई हैट की ई पावर लॉग वाई हैट कर दो तो सिर्फ वाई हैट बच जाता है ना, हाँ राइट right? तो मैं मान लो अब ये सोचो, जैसे मैं ये जो मेरा डेटा है मैक डेटा, ठीक है, इसमें ये देखो ये क्या था? लॉग पेज कॉस्ट हैट, राइट। इस कॉलम का मैं अगर ई रेस टू द पावर दिस कॉलम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पेज कॉस्ट की जो मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं यूजिंग दिस मॉडल, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? देखो क्या हो रहा है कि एक मॉडल में तो डायरेक्टली क्या था, अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे क्या चीज का आंसर आ रहा है, पेज कॉस्ट की प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, राइट। दूसरे मॉडल से मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू किसकी आई? लॉग पेज कॉस्ट की प्रेडिक्टेड वैल्यू आई, राइट। लेकिन मैं तो पेज कॉस्ट की प्रेडिक्टेड वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं ना, लॉग पेज कॉस्ट जान के मैं क्या करूंगी, राइट। है कि नहीं? तो मैं इस कॉलम का अगर एक्सपोनेंशियल ले लूं तो उससे जो वैल्यूज बचेंगी वो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ पेज कॉस्ट होंगी यूजिंग द सेकंड मॉडल, और फिर मैं क्या करूंगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम फर्स्ट मॉडल प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम सेकेंड मॉडल, और फिर देखूंगी कौन बढ़िया प्रेडिक्शन कर रहा है, राइट? ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ? यस मैम। तो एक बारी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। दिस इज जस्ट कंजक्चर इन आवर हेड कि शायद ये बेटर कर पाएंगे इससे। तो एक काम करते हैं, मैं डेटा में पहले उसका एक्सपोनेंशियल ले लेती हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैक डेटा जो नया है उसमें मेरे पास पेज कॉस्ट हैड चाहिए, लेकिन वो 2 होगा। दूसरा प्रेडिक्शन फ्रॉम सेकंड मॉडल वो कैसे बनेगा, जो मेरा लॉग हैड वाला मॉडल है उसकी एक्सपोनेंशियल, अब ई रेस टू द पावर ऐसा कुछ, आई थिंक EXP, हाँ EXP ब्रैकेट ओपन, किसका एक्सपोनेंशियल लेना है मुझे, लॉग, हाँ इसका एक्सपोनेंशियल लूंगी, ई रेस टू द पावर लॉग समथिंग विल गिव मी पेज कॉस्ट हैट फ्रॉम द सेकंड मॉडल। या सो व्हेन यू डू दैट और इसको रन किया, तो अब ये देखो, अब देखो पेज कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू ये है, पेज कॉस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट मॉडल इज दिस, एंड पेज कॉस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम द सेकंड मॉडल इज दिस, राइट? ये किया हमने। और अब मैं क्या प्लॉट करूंगी, एक्स एक्सिस पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ पेज कॉस्ट और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करूंगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट मॉडल, प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम सेकंड मॉडल, और फिर देखते हैं कौन बेटर फिट कर पा रहा है, ठीक है? और बेटर फिट कैसे पता चलेगा कि कौन बेटर फिट कर पा रहा है? परफेक्ट फिटिंग कब होती, जब पेज कॉस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू बिल्कुल पेज कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी, राइट? वो कब होगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई लाइन पे, राइट? अब मैं एक बारी इसको प्लॉट करके बताती हूँ। देखो तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ, पेज कॉस्ट वैल्यूज रखना चाहती हूँ अपनी, फिर मैं एक प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू फ्रॉम वन मॉडल 1, ठीक है? ये होगा पेज कॉस्ट हैट, ठीक है? फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एक और वो करूँ, यहाँ पे पेज कॉस्ट हैट 2 होगा, और ये प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज फ्रॉम मॉडल 2, और परफेक्ट प्रिडिक्शन कब होती है, जब आप इस लाइन पे लाई करते हो, ठीक है? और इसको रन कर दो। अच्छा मेरी लाइन तो प्लॉट ही नहीं हुई, लाइन क्यों नहीं दिखाई दे रही? अच्छा प्लस नहीं लिखा इसीलिए, ओके। कैन यू सी दिस? अब ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप इस ब्लैक लाइन पे लाई कर रहे हो तो मतलब आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? और ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि पहले मॉडल के हिसाब से जब वाई वैल्यू ये थी तो आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा था, और ये जो ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन है, जो डॉट्स हैं, वो क्या बता रहे हैं सेकंड मॉडल से प्रिडिक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी। तो ये वैल्यूज देख के आपको क्या लग रहा है कि आप कौन सा मॉडल आपको बेटर फिट प्रोवाइड कर रहा है? तो आप जितना देख रहे हो जो रेड लाइंस हैं वो फार अवे हैं देन द ग्रीन और ब्लू लाइंस at any point, right? The blue ones are more closer to this line, right? And more closer to this line meaning कि इनका residual value कम है, right? ठीक है? All this kind of analysis is making me feel that my second model is better as compared to the first one, right? ठीक है? तो this is how we had to do it, okay? ये तो एंड में तो हमने बहुत सारा काम अपने खुद के विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, बट वो चीज़ हमें काफ़ी पहले ही क्लियर हो गई थी, राइट, जब हम लोग रेसिडुअल और नॉर्मल वो प्लॉट कर रहे थे। ठीक है, फाइन। कैन वी डू समथिंग लाइक दिस नाउ इफ समबडी आस्क्स? ओके, सो ऑल राइट, आई थिंक लेट्स टेक अ पॉज हियर फॉर टुडे, एंड जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा विच इज़ ऑन संडे, हम लोग जो है डमी वेरिएबल्स पे डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो आज शाम में भी जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डमी वेरिएबल्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, एंड या मोस्टली हो सकता है कि आज शाम को क्लास ना लें क्योंकि आज वैसे माइक्रो क्लास है। अगर क्लास आज शाम को नहीं हुई तो वो क्लास हम लोग कल सेम टाइम पे रिपीट करेंगे, जो हमारा 6 वाला स्लॉट होता है, 6:30 वाला स्लॉट होता है। ठीक है, उसमें डमी वेरिएबल्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फाइन, ठीक है। तो एक बारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़रूर अपने टीचर्स से क्लैरिफाई कर लो कि हाउ आर दे प्लानिंग टू डू सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, एनी अदर डाउट्स आकांक्षा? No ma'am. Okay, all right, take care, thank you. Okay, thank you ma'am.